मांगता फिर रहा है उधार आदमी, हर कदम पे है बेरोजगार आदमी, अपने जाती मफादात के वास्ते कर रहा आदमी का शिकार आदमी। सूरत हाल है किस तरफ जा रही? यहाँ तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों से इंतकानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बड़े फ्रेश लग रहे हैं। आज तो माशाल्लाह आप हमसे भी प्यारे लग रहे हैं। सही गल लग रही है। तो मजबूरी है, आपका क्या काम है? पहले आदमी ने पाकिस्तान च बुजदार साहब को मार खा दी इन्होंने। यकीन कर लो उन्होंने जाके पूछ रहे चुप रहन की किन्नी तनखा लेंदे जे। मैं इन्होंने पूछा मैं जी वोट किस लिए पाते हो? कहते बिरयानी ली। मैं क्या भाई तुम क्यों नहीं इलेक्शन से खिलाते? कहते मैनू महल कोई फील्डिंग तो नहीं खिला दें। रायबंड मियां साहब के घर ना लकड़ का शेर बनया तो पुट के चिड़िया घर छड़ा है। संभली जाके स्पीकर साहब नूं कहिंदे नूरजहां दा गाना ही उच्ची आवाज़ च सुना दिओ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मेंबर हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर, साथ ही साथ डिप्टी स्पीकर भी हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, जनाब महमूद जान। और उनके साथ हमारी दूसरी मेहमान मॉडल इन्फ्लुएंसर और अब एक्टर भी मोहतरमा राबिया जावेद। वेलकम टू द शो जी, आज बड़ा खुशी का दिन है सर, बड़ा ही इंतजार किया आपका और आज बिलाखिर आप आएंगे। और बड़ा ही प्यारा मैं शेर लाया हूँ सर आपकी शख्सियत के ऐन मुताबिक राबिया जी के लिए। यही है राबिया जावेद, एक्टर भी हैं मॉडल भी, मॉडल भी, अगरचे देखने में लगती हैं कुछ कुछ ये सिंपल भी, जरा एक गौर से देखे तो इनका चेहरा बोलेगा। अच्छा, वाँ वाँ। मेरी सिंपलसिटी के पीछे एक लड़की है चंचल भी। वाँ वाँ। 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 क्यों बेरंगे खाबां दे लई अखियां वेचन तुर पे हो? मेरी जूदे दानिशमंदो सोचां वेचन तुर पे हो? बहुती देर मोढ़ियां उत्ते सिर सलामत नहीं रहने, जेड़े सिर बचावन दे लई पग्गां वेचन तुर पे हो? क्या बात, जिसे देख के बहुत प्यार आता था। अरे वाह, जिसका चेहरा आंखों से कभी नहीं जाता था। आज उसकी शादी पे कुर्सियां लगा कर आया हूँ कैसर। अच्छा। जिससे खुद शादी करना चाहता था। आखिरी शेर आपको बहुत पसंद आया? बिल्कुल, ये शेर काफी अरसे से यही इश्क का वो अजहार कर ले, लेकिन इनका वो दिन नहीं आया अभी तक। जो इन्होंने आलम बताया कि मोहब्बत करते थे और उसकी शादी कहीं और हो गई और ये आखिर में कुर्सियां लगा कर आए, तो ये आपने बहुत इसको एंजॉय किया, तो क्या ऐसा कुछ हुआ हुआ है पहले? नहीं, ये पहली दफा इनका नहीं है ना? नहीं, इनका तो पहले नहीं, आपका पहले कभी हुआ नहीं? मुझे नहीं। कामयाब मोहब्बत रही आपकी? नहीं, अरेंज शादी है मेरी। अच्छा, मोहब्बत अभी तक हुई नहीं? वो नहीं, शादी के बाद ऑटोमेटिकली हो जाती है? नहीं नहीं, वो तो हो जाती है, मगर जो अलहदा से आप शादी से पहले करते हैं वो वाला कभी वाकया ऐसा नहीं हुआ? वो कैसा, वो कोई वाकया नहीं हुआ, वो वाकया हुआ भी नहीं और घर वालों ने मौका भी नहीं दिया, वो टाइम ही नहीं मिला, वो टाइम ही ना मिला। ओए, इतनी यानी कि जल्दी थी हर चीज की? जल्दी नहीं, वो पॉलिटिक्स में स्टार्ट से जल्दी मैं आ गया, इसी वजह से उसका मौका ही नहीं मिला प्यार का। हाय हाय, तो पहले से वो खिदमत का जज्बा था, तो सोशल वर्क वगैरह, तो इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिला। ये जो है मोहब्बत वगैरह की बातें जो हैं मेरे हिसाब से ये बेमानी है किस्म की, बेमायने किस्म की बातें हैं। जी, ओए होए, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस राबिया, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मोहब्बत की जो बातें हैं वो बेमायने किस्म की बातें हैं? नहीं, बेमानी तो नहीं हो सकती। देखिए, आप जो खिदमत करते हैं उसमें भी तो एक तरह की मोहब्बत ही होती है ना? नहीं नहीं, मगर वो दूसरी मोहब्बत की बात होती है। आप उनके वाला जवाब दे रही, उन्होंने जब नहीं दिया तो आप भी ना दें। ये बताइए, आप क्या एग्री करती है कि मोहब्बत की बातें बेमायने बातें हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप एग्री नहीं करती इससे?
ठीक, आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका मतलब है आप अवाम की खिदमत तो करते हैं, अवाम से मोहब्बत नहीं करते। जी मैं अवाम से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन दूसरी बात की, जितनी मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं फिर बेईमानी का एम्बेसडर हूँ। हाँ बिल्कुल, आप जिस तरह मोहब्बत करते हैं हर किसी से इजहार करते हैं, लेकिन वो पूरा अभी तक नहीं हो रहा। ख्याल है क्यों पूरी नहीं हो पा रही? वो ये सच्ची मोहब्बत नहीं कर रहे। मोहब्बत अगर बहुत ज्यादा दफा हो तो मोहब्बत ना हो ना फिर, क्योंकि वो एक ही दफा होती है। नहीं मगर कोई कभी कभी गुर्बत की वजह से रिपीट टेलीकास्ट होती है। लेकिन मोहब्बत अगर मिल जाए फिर मोहब्बत नहीं होती, जो तो मिल ही नहीं आई थी, मोहब्बत मिल ही नहीं पा रही, इसलिए वो अभी तक मोहब्बत डिक्लेयर नहीं हो पा रही। सर मुझे मोहब्बत इसलिए, मुझे हर कोई अपना आइडियल लग रहा है। जिनसे ये मोहब्बत करते हैं उनके तीन तीन बच्चे भी ज्यादा हो गए, ऐसे ही बैठे हुए जो भी लग रहे हैं। आपने अभी कहा था कि मोहब्बत बेमायनी चीज है, और अभी आप डायरेक्ट लैला मजनू हीरा पता कह रहा हूँ मैं, वो पुराने जमाने की बातें हैं। हाँ। इस वक्त जो है वो वाली मोहब्बत नहीं रही। तो आप करते ना फिर वो वाली दिखाते हैं आपके दौर में। वो तो मैंने कह दिया पहले से कि वो टाइम ही नहीं मिला, टाइम भी नहीं मिला। प्रैक्टिकल अप्रोच है बड़ी, क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? जी बिल्कुल, प्रैक्टिकल अप्रोच है ना कि भैया ये काम करो, जो काम है वो करो, ये क्या आप इधर टाइम जाया कर रहे हो, रातों को जागे हुए हैं, इस सिम पे वो पैकेज, उस सिम पे वो पैकेज, सुबह तक आप जाके बातें कर रहे हैं। नहीं, जिस तरह केसर बिया इजहार कर रहे हैं हर किसी को, और वो अपना गोल जो अचीव नहीं कर रहे तो टाइम जाया कर रहे हैं। पहले दौर में जब मोहब्बत होती थी तो आशिक रो रहा है मुझे मिलेगी नहीं, तो हूँ आशिक इस गल तो रोंदा बैलेंस मोक गया। लेकिन मेरा एक सवाल है, आप सब जो बातें कर रहे हो उससे लग रहा है कि मोहब्बत शादी से पहले ही होती है? नहीं, शादी के बाद उन्होंने तो कहा है, मुझे तो शादी के बाद हुई। मान रहा हूँ कि शादी के बाद मुझे मोहब्बत हो गई है अपनी मिसेस से, इसमें कोई शक नहीं। माशाल्लाह, शादी के बाद मोहब्बत नहीं, वो मजबूरी होती है। इसका एक्सपीरियंस आप कैसे कह सकते हैं? मैंने शादी के बाद मोहब्बत हुई, मैं फिर शादी कर लूं। ये एक और अप्रोच है, देखें बिल्कुल ये आप सब बोली जा रहे हैं, कोई खातून का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लीजिए। हाँ। अब खातून का तो यही है कि मुझे तो लगता है एक ही से हो सकती है, एक ही से हो सकती है मोहब्बत, उनको इजाजत ही निकाह की एक बार ही है ना, इस वजह से। अच्छा, आप ये आप लोग बेहतर बता सकते हैं। ये एपिसोड वैलेंटाइन डे चल रहा है। नहीं सर, ये बताइए मुझे कि आप जब असेंबली के सेशन में होते हैं जी, तो कभी होता है कि ऐसा बंदा चिड़चिड़ा भी हो जाता हो? कोई एक दिन होता है बंदा मूड खराब होता है इंसान को, और कोई बंदा सवाल पूछी जा रहा है, माइक दे मेरी बारी आए, मेरी बारी आए, अब आखिर में कह रहा है यार रुक जा दो मिनट भाई। मैं सबको एक जैसा टाइम देता हूँ, और मतलब जो रूल्स के मुताबिक होता है उसी के मुताबिक मैं असेंबली चलाता हूँ। ऐसा नहीं कि एक बंदा मुसलसल बोल रहा है मैं दूसरे को बारी ना दूं, क्योंकि ये नेशनल असेंबली के अंदर तो ये बहुत गिला आना शुरू हो गया है। नहीं, और ये मजे की बात है, आपके पीटीआई के बंदों का गिला आना शुरू हो गया है कि जी मुराद सईद के अलावा माइक ही नहीं मिलता हमें। वहाँ पे भी हमारे अपोजिशन मेंबरान जो हैं वो कहते हैं हमारे पार्लिमानी लीडर्स बोल लेते हैं और हमें मौका नहीं मिलता। हाँ। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि पार्लिमानी लीडर्स ना बोल रहे, उनके बाकी एमपीएस जो है उनको मैं मौका देता हूं। सर जैसे आप कहते हैं कि वो बंदा चुप नहीं हो रहा, चुप कर जे, चुप कर जे, नहीं चुप हो रहा, तो कभी दिल की ताव के उल्टा बाजी ला के फ्लैंक के कमारा। नहीं नहीं, नहीं ये असेंबली है, कोई कराटे सेंटर तो नहीं है ना। सर असेंबली से जो तो लड़ाई होती है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असेंबली में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है लड़ाई वगैरह का। अगर कोई तल्ख कलामी हो जाती है तो वो हम फौरन ही उसको सलाफाई कर देते हैं, फौरन कैमरे बंद, फौरन सॉल्व करा लेते हैं। और नेशनल असेंबली के अंदर तो हमें काफी रीसेंट टाइम्स के अंदर मार्के मिले हैं। बिल्कुल जी, मैं देखता रहता हूं, लेकिन होना नहीं चाहिए, इसलिए कि तमाम एजुकेटेड लोग वहां पर बैठते हैं, पूरा पाकिस्तान उनको देखता है, बल्कि पूरी दुनिया उनको देखती है, तो अगर वो इस तरह करेंगे तो बाकी लोग भी इसको फॉलो करेंगे, तो वैसा होना। सर ये बिल भी पास करें ना, मसलन लड़ाई ना हो, बिजली का बिल तो पास करी जा रहे हैं, लड़ाई कैसे ना, वो तो हो जाती है, अगर बात उसकी नहीं सुनी जा रही तो वो तो लड़ पड़ेगा फिर आगे। बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए तमाम पाकिस्तानियों को, अगर हमें बर्दाश्त आ जाए तो ऐसे कोई बातें, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, पूरा करना ना करना अपनी मर्जी, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। कैसी लग रही है आपको उनकी बातें? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी जी। बिल्कुल, आपने वोट डाला था पिछले इलेक्शन में? हाँ, जिनको डाला था वो जीत गए थे जी जी, और आप उनकी जीत से खुश हैं? खुश हूँ हाँ, हल्का हल्का, आप पूरा कॉन्फिडेंट नहीं आपने बोला। वो क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम हर चीज को देना चाहिए। अच्छा, तो आहिस्ता आहिस्ता ही रिजल्ट नजर आता है, तो टाइम आप देना चाह रही हैं? जी बिल्कुल। हाँ। वो जितने चाहे मर्जी गिले शिकवे चल रहे हो इनके साथ? वो तो हर किसी से चलते हैं, किससे नहीं चलते। ये देखें कैसे आपके जबरदस्त वोटर हैं, ऐसे भी अभी बाकी हैं। उन्होंने सच्ची बात की ना, देखें हमारे 2.5 साल हुए हैं जी, तो 40 साल गुजार चुके हैं, वो भी कहते हैं हमें मौका दिया जाए, तो हमारे 2.5 साल में देखें टाइम लगेगा हर चीज को स्ट्रीमलाइन करने में,
और लोगों की उम्मीदें हैं और वाकई एक ही लीडर है जो उस मुल्क को सीधे रास्ते पे लेके जा रहा है, वो है इमरान खान साहब। क्या बात, वाह वाह। 40 साल ये ताड़े भी पार्टी के बीच आए हैं, उन्होंने तो ही पूछ दे। असल चीज़ लीडरशिप होती है। जो इमरान खान का विजन है, जो दूसरी पार्टियों से हमारे पास लोग आए हैं, तो खान साहब के विजन के नीचे अगर काम करेंगे तो हमारे साथ चलेंगे। खान साहब के विजन पे नहीं चलेंगे तो हमारी पार्टी में नहीं रह सकते। वो खान साहब के विजन पे चलते हैं, हमारे पास इधर भेज दिया, हम उन्हें टेलीविजन पे काम करवाएं। फिर खान साहब का विजन जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है। अच्छा, बाकी जो है उनका विजन जो है सराय महल और लंदन के फ्लैट तक है। जो मर्जी हो जाए तनु लंदन नहीं पहुंचता जी। लंदन आपको याद है जी, उधर वो सरकार गए हुए। लंदन तो इसलिए याद है, देखें कोरोना आ गया, कोरोना की वैक्सीन तैयार हो गई, लेकिन जो इलाज के लिए गया था वो वापस अभी तक नहीं। नहीं है अपना कोई खास रंग आली जा, मगर हालात से है काफी तंग आली जा, और अब तो हम भी यकीन से ये कह नहीं सकते कि भूख है या ज्यादा है नंग आली जा, हमारी जान ही ले लेगी ये महंगाई, और आप जारी रखिएगा करप्शन से जंग आली जा, क्या ही बात है आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। राबिया ये बताएं, आपने एक्टिंग भी शुरू कर दी है, बिल्कुल। आपने कैसे फैसला किया, और आपके ड्रामे का जो नाम है भूल जा ए दिल, वाह, ये इतना गमजदा नाम क्यों है? क्योंकि ये बहुत गमजदा ड्रामा है, लेकिन एक्टिंग का मेरा बाय चांस स्टार्ट हुआ और कोरोना की वजह से हुआ। कोरोना की वजह से मेरी एक्टिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैं वैसे जॉब कर रही थी, कोरोना की वजह से टफ टाइम्स थोड़े चल रहे थे, तो उन्होंने कहा जरा एक दो महीने ना घर पे जरा आराम करें आप। मैं आराम कर रही थी तो बाय चांस ये ऑफर मेरे पास आ गई। मैंने कहा दो महीने तो मेरे पास हैं, फ्री था भी काम कोई 25-30 दिन का, वो खैर फिर आगे बहुत ही कभी सोचा नहीं था एक्टिंग का, सोचा ही नहीं था। सोचा तो था, कोरोना में आप आराम कर रही, ख्वाब में डायरेक्टर आया, क्या मैं आपको ड्रामा करवाना चाहता हूँ, नहीं फोन शोन तो किया, नहीं नहीं ख्वाब में तो नहीं आया, असल में फोन आया था, क्योंकि उससे पहले मैं थोड़े एड्स वगैरह कर चुकी थी। अच्छा। तो उस रेफरेंस से आया। देखिए बड़ी बात है, हमारे तो ख्वाब भी पूरे नहीं हो रहे। जैसे पिछली मरतबा आप आई थी तो चलो आपने तो बता दिया था, आपकी कोई सहेली है तो बता दें जिसे शादी की असर जरूरत हो। हाँ बिल्कुल, तो आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए ढूंढूंगी। चले अगर है तो उन्हें कहिए कि लड़का है बहुत, 17 साल उम्र है उसकी। झूठ तो नहीं मैं बोल सकती ना। नहीं नहीं वो इसकी बात कर। आप तो गाना इतना अच्छा गाते हैं, लड़कियां आपसे इंप्रेस नहीं हो जाती फौरन? मगर उनकी अम्मी अब पूरी इंप्रेस हो रही है। नहीं अपनी कोई सहेली जो बड़ी खूबसूरत हो तो उनके लिए मिसाल। आपको सहेली जो जिंदगी से तंग छुटकारा चाहती हो हर खुशी से अपनी, तो कोई ऐसी कोई आपकी दोस्त हो, was given up on life. ये तो सोचना पड़ेगा जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन बताई है। हाँ। लेकिन उनके पास तो ऑफर्स इतनी ज्यादा, मेरी तो जरूरत ही नहीं है। नहीं, 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 आप उनकी बातों पे ना जाएं, अगर उनके ऑफर होती तो यहाँ बैठे होते। इसलिए अम्मी अबू ने हमारे पे डाल दी है बात, हम लोगों ने जो घर से दे रहा था वो हमने सुरों की सूरत में दे दिया। अब आगे का काम जो है आप लोग खुद ही संभालें। सर आर्टिस्ट की बीवी बनना वैसे भी मुश्किल होता है। अच्छा, उसके लिए मैंने घर नहीं जाना। अच्छा, इलैबोरेट करें अपने इस तजिए के ऊपर। सर जी मतलब आपकी फैन फॉलोइंग भी है माशाल्लाह से। अच्छा। तो फिर एक औरत के लिए ये मुश्किल होता होगा जी? राबिया आप बताइए इनके ऑब्जर्वेशन के बारे में। देखिए मेरे हिसाब से इंसान अच्छा होना चाहिए। आप उनकी ऑब्जर्वेशन नहीं समझे, उन्होंने कहा कि जो आर्टिस्ट की जिंदगी होती है उनमें इनके लाखों सैकड़ों खवातीन फैंस होंगी। अच्छा, तो इसलिए इनको अभी से अपनी जो बीवी हैं उनका ख्याल है। अच्छा। कि उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। मुश्किल हो। इसे कहते हैं एक ऑप्टिमिस्टिक ऑब्जर्वेशन। इन्होंने दो चीजें ऑप्टिमाइज करके ऑब्जर्व की हैं और एंटिसिपेट भी करनी है। पहली ये कि इनकी बीवी होगी कोई, और दूसरी ये कि इनकी लाखों करोड़ों खवातीन फैंस होंगे। इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे इन्होंने ये सब कुछ तज्जिया किया है। तो आप बताएं आप क्या समझती हैं कि इनसिक्योरिटी एट द कोर ऑफ इट है एक्चुअली? हाँ नहीं, जब शादी हो जाती है तो इनसिक्योरिटी की जगह नहीं होती बेसिकली, अगर वो स्ट्रॉन्ग मैरिज है। और आई थिंक इस पे सबसे ज्यादा तो आप ही बता सकते हैं क्योंकि आप तो ये एक्सपीरियंस कर रहे हो। साथ बैठे हैं सबसे ज्यादा हम सीनियर हैं, से आर्टिस्ट की फैन फॉलोइंग नहीं है, सीनियर तो कोई और है यहाँ पे। आप जरा इस तज्जिए के ऊपर राबिया के रोशनी डालें कि इनसिक्योरिटी होती है नहीं होती?
ਡੋਂਬੋ ਗੁੱਡ ਆਰ ਯੂ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਗੇਨ ਅ ਲਾਟ ਟੂਡੇ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਐਡਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਯੂ ਨੋ ਕਪਲ ਆਫ ਵੀਕਸ ਅਗੋ ਅ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਇੱਕ ਓਕੇ ਉਹ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਹਾਂ ਤੁਮਨੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਕੇ ਔਰ ਉਸਕੀ ਟੋਟਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸਕੋ ਅੰਦਰ ਆਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗੇਟ ਮੇ ਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬਟ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਚੂੰ 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 ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕੰਮ ਲੋ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੂੰ ਚੂੰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਭਾਜੀ ਕੇਮ ਇਨਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਮੇ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ 50 ਰੁਪਏ ਚ ਮੈਂ ਜੀ ਚੂੰ ਚੂੰ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂ ਨੋ ਜਿਸ 15-20 ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੈ ਇਨਕੀ ਵੀ ਚੂੰ ਚੂੰ ਆਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਤੂੰ ਮੁਝੇ ਠੇਕਾ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨਕੀ ਚੂੰ ਚੂੰ ਅਭੀ ਨਿਕਾਲ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਚ ਠੇਕਾ ਹੋ ਗਿਆ 9 ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਚੋਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪੇ ਬੈਠੋ ਦੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਵਾਸ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਬਾਕੀ ਕੁਰਸੀਓ ਕੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਉੱਥੇ 9 ਕੁਰਸੀਆਂ 10 ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਡ ਗਏ ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾਤਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਾਏ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ 30,000 ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਨ ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ 20,000 ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਛਡਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਫਾਂਟਾ ਚਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੂੰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ 20,000 ਮੈਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੋ ਕੁਰਸੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲਵ ਪੀਟੀਆਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਕੂਨ ਹੀ ਸਕੂਨ ਹੈ ਸੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਏ ਓਏ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮ ਮੋਦੀ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਭਾਜੀ ਕੋਈ 150 ਦਿਓ ਆਪ ਮੁਝੇ ਪਹਿਲੇ ਬਤਾਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਵਾਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੇਪੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਸੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਯੈਸ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ ਕਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਤੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਇਨਕਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰੇ ویلکم بیک ٹو مذاکرات محمود صاحب بات انسیکیورٹی کی ہو رہی تھی جو کہ انہوں نے نہیں بتایا کہ کیا ہوتی ہے آپ کے ساتھ کبھی گھر پہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فون آ جائے کیونکہ ظاہری بات ہے ایک سیاسی آدمی ہے آپ اپنا ہلکا بھی ہے تو رینڈم میسیجز بہت آتے ہیں بالکل میسیجز آتے ہیں لیکن وہ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ایک رشتہ ہوتا ہے اور جو شادی کے بعد ایک محبت ہوتی ہے تو وہ اس میں وہ شک کی گنجائش پہ نہیں رہتی کالز بھی آتی ہیں باتیں بھی ہم کرتے ہیں یہ پولیٹکس کا حصہ ہیں بھی اچھا ہمیں ہر کسی کے کام کرنے پڑتے ہیں جینڈر کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں یہ کبھی آپ تیار ہو رہے بابی نے کہا کہ خیر آج بہت تیار ہو رہے ہیں ہم ہمیشہ جب گھر سے نکلتے تو تیار ہو کے جاتے ہیں اگر وہ کہہ رہے کوئی خاص تیاری ہوگی بھابھی کہہ رہے کہ آج سیشن میں کون آ رہا ہے نہیں یہ خاص تیاری کیا ہے ہمارا تو یہ کپڑے سمپل ہم اسی طرح جاتے ہیں لیڈیز کا مشکل ہوتا ہے جب وہ تیار ہو کے جاتی ہیں تو وہ مسئلہ ہوتا ہے یہ آپ کو مشکل پیش آتی ہے تیاری میں تیاری میں تو بہت مشکل پیش آتی ہے پتہ ہی ہے آئی تھنک سب کو پتہ ہوگا لڑکیوں کا تیار ہونا نہیں مگر کیوں اتنا ٹائم کیوں لگتا ہے ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਲ ਫਿਰ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਫਿਰ ਆਂਖੇ ਫਿਰ ਆਂਖੋਂ ਕੀ ਆਈ ਲੈਸ਼ਸ ਫਿਰ ਨਾਕ ਫਿਰ ਹੋਰਨ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਆਪ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਉਸਕੋ ਮੂੰਹ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸਕਲੇ ਫੇਸੇ ਉਨਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗਤਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਅਗਰ ਕਭੀ ਐਸਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਸਟ 5 ਮਿੰਟਸ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਮੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੋ ਹੋ ਜਾਏਗੇ
हाँ पांच मिनट में अगर तैयार होना पड़े तो आप क्या कहते हैं? आज छोड़ो अगली बार चलेंगे। खूबसूरत ना तैयार ना भी होते तैयार लगते वासे भाई वर्ग होते कॉटन का सूट पाया तीन बारी नहाते हूँ फिर घर वाले कह रहे थे तैयार नहीं होया नहीं जाना। आप ही बताएं आपने एक्टिंग शुरू कर दी ये आप कंटिन्यू करना चाहेंगे या सिर्फ ये कोरोना के दिनों में ही था? जो लोगों का फीडबैक आ रहा है वो काफी अच्छा आ रहा अच्छा। है और मुझे मजा भी बहुत आया। अच्छा किसके साथ एक्टिंग की थी आपने? मैंने हिशाम सईद के साथ। हिशाम सईद नहीं वो तो डायरेक्टर थे गालिबन। जी जी जी। एक्टर कौन थे आपको? एक्टर थी मोमना इकबाल, सारा खान, अली रजा, ये सारे। तो आपके कोई हैं वैसे कोई विश लिस्ट पे एक्टर्स जिनके साथ आप काम करना चाहती हैं? हाँ अगर विश लिस्ट की बात हो वो तो फिर काफी हैं। जैसा कि जैसे फिरोज हैं, फिरोज खान हाँ, और अदनान सिद्दीकी हैं। अदनान सिद्दीकी के साथ काम करना चाहती हैं। मेरे पास तुम हो आपने देखा? हाँ हाँ बिल्कुल। आपको उसमें कौन सा कैरेक्टर ज्यादा दिल को भाया, अदनान सिद्दीकी का या हुमायूं सईद का? हुमायूं की एक्टिंग बहुत अच्छी, हुमायूं की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। आपने सर ये ड्रामे का सुना? सुना था। अच्छा एक दो क्लिप्स मेरे ख्याल से फेसबुक पे देख ली थी। अच्छा फेसबुक पे क्लिप्स देखे थे, पूरा ड्रामा देखने का मौका नहीं मिला। जी बिल्कुल। लेकिन आपने देखा और आपको उसमें हुमायूं सईद की एक्टिंग बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त लगी, बहुत जो वो रोए उसके अंदर, वो रुला दिया ना, रुला दिया आसानी से। हाँ उस तरह से रोना नहीं आता पाकिस्तानी ड्रामे देखते हुए मुझे, मगर हुमायूं सईद ने आपको रुला दिया। वाह हुमायूं साहब आपका तरला ही बहुत। मेनू कहने कम टू बनी पहुंच गया बनी पार करके ते एंटर होया सामने मीटिंग चल रही सी। मैं क्या कितने मेरे नाल नाराज ने ओही गल है मैं वेख दें कहते ने पिछले अदवार में महंगाई ज्यादा थी अब कम तरीन सतह पर है कहते ने इस बयान ते यकीन कर गए। मैं क्या सर मैं तो थोड़े ते यकीन है। वो कहते ने मेरे ते यकीन कर बयान ते ना यकीन करया कर। अच्छा। ए मामले कुछ होर ने। मैं क्या सर ये होंदा की है? कहते ने इशारिया होंदा है कुछ 6.9 कुछ 3.7 वो तेनों नहीं समझ आनी आम पब्लिक नहीं समझ आती बल्कि कहते ने सच्ची पूछे ना जवाब दे सकते बट मैं सर कॉल क्यों नहीं सुन रहे हाँ। मेरा दिल घबरा गया हाँ। कहते ने यार फोन मेरे को लगा नवा एंड्रॉयड एंड्रॉयड हाँ जुल्फी बुखारी साहब कहते ने मैं 2 महीने पहले उन्होंने गिफ्ट किया जुल्फी साहब ने गिफ्ट किया तो मैं सिम पाके तो चलांदा रहा ठीक है लेकिन अचानक बंद हो गया हाँ कोई मैसेज भी नहीं आया ना ही कॉल जा रही है ना आ रही है वो मैं फोन फड़िया मैं ही करके चेक किया ओ मैं क्या सर ए ते पीटीए तो है ही नहीं अप्रूव ही नहीं है ए मैं क्या कुछ दिन चल रहा है उस तो बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है अगर तुम रजिस्ट्रेशन ना कराई हो तो कहते ने करा किन्ने पैसे लगनगे मैं क्या सर ये जो फोन है ना ये कम अज कम 47,000 तो लेके 60,000 ठीक है मैंने कहते ने इना टैक्स किन्ने लाया मैं क्या सर पीटीआई ने कहते ने बुला पीटीआई कौन ने यार कुछ कर फोन मैं बड़ा पसंद है अच्छा। फिर मैं उन्होंने जाके करके किया मैसेज पीटीआई नू उन्होंने क्या 42,750 रुपए जमा कराओ टैक्स जी सर ठीक है मैं कह सर 42,750 रुपए ने मैंने कहते ने अल्लाह वास्ते किधर रियायत करा के लिया खान साहब कह रहे ने यार रियायत करा के लिया ठीक है मैं कह सर तुसी प्राइम मिनिस्टर हो तुसी कह रहे हो हाँ। वो कहना मैं नहीं भर सकता आवाम कितों भरती होगी हाँ, हाँ। मैं टेंस हो गया तो पब्लिक कितनी टेंस होंगी मैं कह सर टैक्स खत्म कराओ मैंने कहते ने फजूल गल ना कर यू हैव टू गेट आउट राइट नाउ ਇਹਦਾ ਕੀ
मतलब है? इसका मतलब पता नहीं है, उनकी पार्टी के बंदे बता सकते हैं। ओ अल्लाह, इन्हें तो लभ रहा महमूद जान साहब ने। क्यों? पूरे के पी के यही तो मेरे दोस्त ने। अच्छा भाई मैं कहना जदों दे आए ने भाई स्पीकर इन्हे विक रहे ने। अरे स्पीकर बिक नहीं रहे, वो दूसरे स्पीकर होते हैं। आज खाना मेरा इन लिए, अगर नहीं भी उन्होंने जेन इतने मैं पा दिता। माशाला जदों भी गए हैं एडी रिस्पेक्ट करते ने, जदों भी मैं सर खाना खाना है, इन्होंने कहा ठीक है खा के आ जा। जी सर ते माशाल्लाह राबिया जी जी कट्ठे ही केपी तो ही आए नहीं, वो लाहौर से आए। बड़ी गल है, बड़ी अच्छी गल है। माशाल्लाह दो में मेहमान आज बड़े टॉप दे बुलाए ने सर, ऐसे मेहमान बुलांदे हो ते जश नहीं, नहीं, नहीं। माशाल्लाह सर कहना यावे वन फोटो प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दो साल रह गए ने, उस तो बाद नायब वाले ने तुहानू लभना ते फोटो मेरे को लभनी। जी सर मैडम बिग फैन जी, बिग फैन। माशाल्लाह मैडम तो मेरे तो भी सोने ने माशाल्लाह। ते कुछ मामला करो सर, ए पीटीए वाले जेड़े ना बड़े पैसे ले रहे ने, लोग बड़े परेशान ने, इवन खान साहब खुद परेशान। सही बात जी। एक चीज मैं आपकी करेक्शन है कर दूं जी, अभी आपने कहा केपीके, तो ये केपीके नहीं है, ये सबसे पहले इसको आप खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा, और अगर खैबर पख्तूनख्वा नहीं कह सकते तो उसको केपी कहेंगे। ये दो वर्ड्स हैं, खैबर और पख्तूनख्वा, ये तीन वर्ड्स हैं। अच्छा ये हम सब, एक हमारे पहले दोस्त आए थे खैबर पख्तूनख्वा से, उन्होंने ही हमें ये कहा कि आप केपी के कहा करें, तो तब हमने कहना शुरू किया। नहीं जी, इसका बाकायदा हमने नोटिफिकेशन जारी किया अच्छा। है, मैंने खुद रूलिंग दी है। ये देखें, खैबर एक वर्ड है और पख्तूनख्वा दूसरा वर्ड है, ये टू वर्ड्स हुए केपी। उसको तीन इसलिए कहते हैं कि पख्तूनख्वा को दो कर देते हैं, पख्तून और ख्वा तो तीन कर देते हैं। तो बेसिकली टू वर्ड्स, दो अल्फाबेट है, के एन पी, के एन पी, ठीक है, तो के पी, के पी। चलो जी टैक्स तो नहीं घाटा है, ये तो करेक्शन हो गया। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। तो 2020 का आगाज किससे करें? लेडीज फर्स्ट। लेडीज आप क्या रेडी हैं इससे? ठीक है, ये बताएं, लिफ्ट में एंटर हुई हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है, और एक को कहने के मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, इकरा अजीज और माहिरा खान। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी मैं लूंगी इकरा के साथ। स्माइल किनको देंगी? हानिया को। और किसको कह रही है कि फ्लोर आ गया? माहिरा की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मगर आपने कह दिया उनको। माहिरा खान साहब आपको कहा गया है कि फ्लोर आ गया इस वक्त आपका। ये बताएं मैडम, चांद पर जा रही है एक स्पेस रॉकेट में आप बैठ के, दो सीटें हैं, एक अपनी है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती है, जिसको लेके जाएंगी वो चांद से वापस नहीं आएगा, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके, कौन होगा वो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को ले जाऊंगी क्योंकि मुझे लगता है वो एटलीस्ट सफर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ओए होए, शहबाज शरीफ साहब को लेके जाएंगी क्योंकि सफर इंटरेस्टिंग होगा। बताइए फिर, टाइटैनिक पर जा रही हैं, दो वीआईपी पास हैं, एक अपने दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती है, किसको लेके जाएंगी टाइटैनिक? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अदनान सदीकी और जनाब हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, हुमायूं सईद साहब आप होंगे टाइटैनिक के ऊपर। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महमूद जान साहब, महमूद खान साहब, जनाब मुराद अली शाह और जनाब ऑन अली खान। मैं इन्हीं को दूंगी। आपके सूबे के चीफ मिनिस्टर साहब भी लेके जा सके। क्या बात है, बड़ा तासुर छोड़ा आपने महमूद भाई इनके ऊपर। नहीं सर, अब आप बताएं, आधी रात का वक्त, बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल किसको कर रहे हैं बोरियत खत्म करने के लिए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहरी रहमान और मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब बेहतर है, मरियम औरंगजेब से बात कर लेंगे। ठीक है, ये बताएं लिफ्ट में एंटर हुए हैं, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को आपने मुस्कुराना है देखकर, और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से फ्लोर आ गया भाई आपका। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुश्ताक अहमद गनी, तैमूर झगड़ा और परवेज खटक साहब। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? मुश्ताक गनी साहब के साथ। मुश्ताक गनी साहब के साथ। स्माइल किसको दे रहे हैं आप? स्माइल मैं दे रहा हूँ परवेज खटक साहब को। और किसको कह रहे हैं कि फ्लोर आ गया? तैमूर झगड़ा साहब को। तैमूर झगड़ा साहब है, ठीक है। ये बताएं टाइटैनिक पर जा रहे हैं, दो वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस है आपके पास डॉक्टर फरदोस आशिक अवान और राबिया जावेद। इन्हीं को ले जाता हूँ। इन्हीं को ले जाता हूँ जी, मैं उनको फरदोस आशिक अवान को क्यों लेके जाऊँ? क्यों लेके जाऊँ जी? तो हमारे पास क्यों आपने छोड़ा? हमने तो कभी नहीं आपसे पूछा ताकि वो आपको इंफॉर्मेशन दे सके। आप रखे ना इंफॉर्मेशन, सारी सुनते रहिएगा रास्ते में। ये बताएं सर, चांद पर जा रहे हैं, वही स्पेस रॉकेट में हैं आप, दो लोग इस जगह है, एक आपकी है, दूसरे पे किसी और को लेके जा रहे हैं, जिसको लेके जा रहे हैं वो वापस नहीं आएगा, आप वापस आ जाएंगे, कौन होगा वो जो कि वापस ना आ पाएगा?
ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब को चांद पर छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रहे हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब महमूद खान, जनाब असद कैसर और जनाब उस्मान बुज़दार। हमारे सूबे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो सीएम साहब के बगैर सूबा नहीं चलेगा, तो महमूद खान साहब को ही दे। महमूद खान साहब ले गए हैं। ठीक है, महमूद जान सर, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। राबिया जावेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखिएगा। आप दोनों सर क्या सुना रहे हैं मेहमानों को?